बच्चों आप सभी जानते हो गर्मियों में खीरा हमारे लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। हम खाते हैं उसे सैलेड के तौर पर, लेकिन आज खीरे से कुछ और भी करने वाले हैं। बच्चों आंखों के नीचे काले घेरे होने के कारण कई होते हैं, जैसे कि अंदरूनी कमजोरी, हीमोग्लोबिन की कमी या फिर बहुत ज्यादा थकान, मोबाइल पर ज्यादा काम या आपको लैपटॉप पे बहुत ज्यादा काम, या नींद अच्छे से नहीं कर पाते हो, या फिर केमिकल वाले, हार्ड केमिकल वाले कोई मेकअप ऐसे करते हो जो आपकी आंखों पर गलत प्रभाव डाल रहा है। तो पहले तो आपको ये देखना होगा कि इसका कारण क्या है। अगर किसी कारण से आपके आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, ये जिसको डार्क सर्किल कहते हैं, तो आपके पास सस्ती सी एक चीज है जो कि आपके किचन में हमेशा होती है। और चलो कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। खीरे के दो स्लाइस आप आंखों पर लगाकर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लें, जिससे आपकी आंखों की थकान काफी हद तक खत्म हो जाएगी। खीरे के अंदर भरपूर मात्रा में पानी होता है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। पता है आपको, खीरे में एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ एक सिलिका नाम का तत्व पाया जाता है जो कि हमारी रंगत को निखारने में बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो आज जो आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं उसके लिए हम बना रहे हैं एक रोल ऑन। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, खीरा एक ताजा ले लीजिए, उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद बिना छीले ही इसे आप ग्रेट कर लीजिए। जैसे मैं थोड़ा सा बना रही हूँ तो मैंने आधा खीरा ही ग्रेट करना शुरू किया है। इसका छिलका ना हटाएं, क्योंकि छिलके में भी वही प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं जो कि खीरे के अंदर है, तो हमें वही दोनों चीज़ें चाहिए। तो इसको आप ग्रेट कर लीजिए। ग्रेट करने के बाद एक पतली छन्नी में या फिर एक पतले कपड़े में इसका जूस निकाल लीजिए। बहुत ही ताज़ा जूस होता है, खीरे के अंदर काफ़ी मात्रा में पानी होता है जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। स्क्वीज कर रही हूँ तो बहुत अच्छे से इसका जूस निकल आया है। अब हम इसके लिए और क्या चीज़ें लेंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ मैंने लिया एलोवेरा। नॉर्मल एक चम्मच आप एलोवेरा ले लीजिए भरकर, और उसमें आप धीरे धीरे खीरे का जूस डालते जाइए। जैसे जैसे आप खीरे का जूस डालेंगे उसे मिक्स करते जाएंगे, एक बहुत बढ़िया मिश्रण तैयार होगा। याद रहे खीरे के जूस को एक साथ ना डालें, आपको धीरे धीरे डालकर उसमें मिक्स करना है। जितना हमने एलोवेरा लेना है उससे तीन गुना हमें जूस लेना है। जैसे एक चम्मच भर के अगर मैंने एलोवेरा लिया है तो तीन चम्मच मेरे पास जूस है। इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब इस मिश्रण में मैं डाल रही हूँ एक कैप्सूल विटामिन ई का। जो भी आपको मिल जाए आसपास किसी केमिस्ट की शॉप पर, आप उसे लीजिए और उसे कट करके इसमें डाल दीजिए। अब इसे एक बार और अच्छे से मिक्स कीजिए। वैसे तो खीरा 12 महीने मिलता है, पर अगर किसी वजह से आपके पास खीरा नहीं है, आप इसे रोल ऑन को बनाना चाहते हैं, तो आप आलू को भी घिसकर इसका रोल ऑन बना सकते हैं। अब इसे और अच्छे से मिक्स कीजिए। अगर आपके पास विस्कर है तो विस्कर भी आप यूज़ कर सकते हैं, या विस्कर भी नहीं है तो आप इसे दोबारा एक बार छन्नी से छान लें, जिससे ये बिल्कुल एक सार सा हो जाए। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब आपको क्या करना है, एक रोल ऑन लेना है। जो हमारे पास खाली बॉटल होती है उसे हम यूज़ करेंगे, बिल्कुल साफ बॉटल हो मेरे पास है तो मैं उसे ही यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, अगर किसी वजह से आपके पास रोल ऑन की बॉटल नहीं है तो आप क्या कीजिए, नॉर्मल बॉटल में भर के इसे रख लीजिए। जब भी आपको इसे यूज़ करना है, एक कॉटन पैड लीजिए, उसे अच्छे से पानी से वॉश कर लीजिए, गुलाब जल से थोड़ा गीला कर दीजिए, फिर आप इस क्रीम को, रोल ऑन को लेकर आप उस आँखों पर लगाकर सो जाइए। पर रोल ऑन जो होता है बहुत ही इजी तरीके से आप यूज कर सकते हो, आप काम कर सकते हो। बस इसे आंखों के नीचे आसपास सब तरफ से लगाइए और बहुत ही बढ़िया ये काम करेगा। आपने देखा ना, बिल्कुल नेचुरल है, बहुत ही अमेजिंग सा है। इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया है, कोई केमिकल मैंने यूज नहीं किए हैं, और इसका कलर देखिए कितना बढ़िया आया है, मतलब नेचुरल। अब आप इसे बना कर ना फ्रिज में रख दीजिए, क्योंकि खीरे का जूस है तो कभी ख़राब ना हो, तो इसलिए आप थोड़ा ही बनाइए और इस रोल ऑन को फ्रिज में रख दीजिए। जैसे ही आप ख़त्म करेंगे फौरन से दोबारा बना लीजिए। कैसा लगा बच्चों आपको, ये मुझे ज़रूर बताइए।